यूपीसीए को लेकर जारी बवाल पर सीएम योगी ने शांति की अपील की है। सीएमओ की तरफ से किए गए ट्वीट लिखा गया है कि सीएम योगी ने प्रदेशवासियों से शांति और सौहार्द की अपील की है। उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून के संदर्भ में कुछ निहित स्वार्थी तत्वों की तरफ से फैलाई जाने वाली किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें। सीएमओ की तरफ से एक और ट्वीट किया गया है, प्रदेश सरकार हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसके लिए ये भी आवश्यक है कि सभी नागरिकों की तरफ से कानून का पालन किया जाए, तो राज्य में कायम अमन चैन के माहौल को प्रभावित करने की किसी को अनुमति नहीं है। तो प्रदेश सरकार पूरी तरह से अपील लोगों से कर रही है कि शांति और सौहार्द बनाए रखें। तो ये उत्तर प्रदेश प्रशासन की तरफ से सीएम योगी का ये ट्वीट जारी किया गया है। लोगों से इस ट्वीट के जरिए अपील जो है सीएम योगी ने की है कि किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दिया जाए, प्रदेश का जो माहौल है वो पूरी तरह से बनाए रखे। तो किसी को अमन चैन का माहौल खराब करने की इजाजत नहीं है, सभी नागरिक कानून का पालन करें। तो सीएम योगी की तरफ से ये ट्वीट लोगों से अपील करते हुए, तो जिस तरह से माहौल नागरिकता संशोधन बिल को लेकर देखा जा रहा है उसके चलते अब सीएम योगी ने ये ट्वीट करते हुए लोगों से अपील की है कि प्रदेशवासियों की जो शांति और सौहार्द की अपील की गई कि प्रदेश के माहौल को बनाए रखें, कानून कोई भी नागरिक हाथ में ना ले। तो माहौल खराब करने की इजाज़त किसी को नहीं, अगर किसी ने ऐसा किया तो कार्रवाई होगी, लेकिन यहाँ पर सीधे तौर पर एक पॉजिटिव अपील लोगों से करते हुए कि शांति और सौहार्द बनाए रखें, क्योंकि बेहद हिंसक यहाँ पर ये प्रदर्शन हो चला था। और नागरिकता संशोधन बिल को लेकर अभी तक सिर्फ पूर्वोत्तर राज्यों के में देखने को मिल रहा था, लेकिन अब ये आग चारों तरफ साफ तौर पर दिखाई दे रही है। इसी बीच ये माहौल उत्तर प्रदेश में ना बिगड़े इसको लेकर सीएम योगी ने ये ट्वीट किया जो हम आपको दिखा रहे हैं। इस ट्वीट के माध्यम से लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील सीएम योगी ने की।